दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के दूसरे अभ्यास मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक शानदार जीत हासिल करी और रोहित शर्मा ने शानदार जीत का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए एक ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहा रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी पर बयान देते हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 20 अक्टूबर को खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आए रोहित शर्मा। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला पूरी तरह से गलत साबित होता हुआ नजर आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को 152 रनों पर रोकने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ सबसे शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया उन्होंने, जिन्होंने इस मुकाबले में 48 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने भी 28 गेंदों में 37 रनों की शानदार पारी खेली और वहीं अंत में मार्कस स्टोनिस ने 25 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलकर टीम को 150 रनों के पार पहुंचाने में कामयाब रहे। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से हर एक गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन सबसे जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने 2 ओवर में 8 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे। वहीं दोस्तों, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार और राहुल चहर एक एक विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए, जिसमें पहले तो केएल राहुल ने 31 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली और वहीं रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेलकर मुकाबले में समय ही बांध दिया और वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार पारी खेलकर इस मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 27 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली और अंत में हार्दिक पांड्या ने 8 गेंदों में 14 रन बनाए और अंत में एक शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को एक जबरदस्त जीत दिलाने में कामयाबी प्राप्त की। दोस्तों, इस मुकाबले में शानदार जीत के बाद रोहित शर्मा ने इस जीत का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए अपने बयान में कहा कि इस साल हमारी टीम महेंद्र सिंह धोनी की मेंटरशिप में शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखा रही है। जब से महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के खेमे से जुड़े हैं, उसके बाद सभी खिलाड़ियों का मनोबल और आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। अब सभी खिलाड़ियों को पूरी तरीके से भरोसा हो चुका है कि इस साल हमारी टीम महेंद्र सिंह धोनी की मेंटरशिप में T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेगी। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा के इस बयान को सुनकर आप सभी को क्या लगता है कि क्या इस साल महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम को T20 का वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब होंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।